हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। कैसी है हमारी फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज चल रही है, बिगिनर ट्रेनिंग सीरीज। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू जनरेट इमेज एसेट्स, मतलब इमेज एसेट्स को किस तरह से जनरेट करें फोटोशॉप में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे होता है। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर फोटोशॉप भी खोला हुआ है और फोटोशॉप के अंदर एक रेस्टोरों का पोस्टर खुला हुआ है और उस पोस्टर को मैंने अलग अलग फोल्डर्स में यहाँ पर बनाया हुआ है। अब देखिए ये जो फोल्डर्स में अलग अलग बनाया हुआ है, इन फोल्डर्स के अंदर इमेजेस भी रखी हैं, टेक्स्ट भी रखा है, बैकग्राउंड भी रखा है, सारी चीजें इसके अंदर हैं फोल्डर्स के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इमेज एसेट्स को जनरेट करके देखते हैं किस तरह से होता है। ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इमेज एसेट्स जो है वो फाइल के अंदर मिलता है, फाइल के अंदर फाइल में जाते हैं और यहाँ पर मिलता है जनरेट और जनरेट में आता है इमेज एसेट्स। ये किस तरह से होता है ये समझते हैं। देखिए इसके लिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ और देखिए यहाँ पर अभी देखिए आप तो देखिए डेस्कटॉप पे ये फाइल रखी हुई है add.psd। मैं इसको थोड़ा सा इधर को कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर ऐसे रखता हूँ। और इसके बाद देखिए ये जो फाइल है यही फाइल मैंने यहाँ पर खोली हुई है, इस एड की फाइल ये जो है मैंने यहाँ पर खोली हुई है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर चलते हैं देखो फाइल में, और फाइल में जाने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर जनरेट करते हैं और इमेज एसेट्स को क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इमेज एसेट्स को क्लिक करते हैं ये देखो यहाँ पर इसमें टिक आ गया होगा, देखो जनरेट के आगे यहाँ पर देखिए टिक आ गया। तो देखिए इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट है, चाहे वो इमेजेस है, टेक्स्ट है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है यहाँ पर डेस्कटॉप पे जहाँ फाइल सेव की हुई है वहीं पर अगर हम उसमें बता दें कि PNG सेव करना है या JPG सेव करना है तो वो अलग फोल्डर में सेव हो जाएंगी। वो कैसे होंगी देखिए, तो देखिए सबसे पहले ये जो इमेज है सबसे बड़ी, इस इमेज को मैं यहाँ पर, ये जो इमेज है ये लिखा है सैलेड, सैलेड के आगे ही मैं लिख देता हूँ PNG। मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखिए .png। जैसे मैं .png लिख के एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर बिल्कुल डेस्कटॉप पे उस फाइल के नीचे देखो एक फोल्डर बन गया एड एसेट्स, बस समझे एड एसेट्स का फोल्डर बन गया। अब इसको खोल के देखिए आप, देखिए मैं इसको खोलता हूँ और इसको देखिए इधर रख देता हूँ, इधर रख देता हूँ और देखो ये देखो सैलेड .png नाम से बन गई। अब यहाँ पर आप PNG बनाएंगे तो देखो ये ट्रांसपेरेंट होगी, इसकी जो पीछे की बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि JPG बनाना तो इसको JPG बना सकते हैं, यहाँ से आप .png हटाकर यहाँ पर आप JPG कर सकते हैं, ऐसे करते हैं आप JPG। अब जैसे JPG करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, ये फाइल देखो JPG बन जाएगी, देख रहे हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो आ जाएगा इसके साथ, ये JPG फाइल बन जाएगी। तो ऐसे आप किसी को भी JPG या PNG में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं PNG कर देता हूँ इसको और देखो ये PNG फाइल यहाँ पर आ गई। और अब देखिए मैं इसमें देखो एक ये लीफ है, लीफ को भी मैं PNG यहाँ पर सेव करता हूँ। मैं ये देखो वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लीफ लिखता हूँ LEF लीफ .png लिख देता हूँ। जैसे मैं PNG लिखूंगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो लीफ .png ये फाइल देखो यहाँ पर बन गई। अब जरूरी नहीं है कोई इमेज ही हो, आप टेक्स्ट को भी ऐसा कर सकते हैं। देखो ये सुपर जो टेक्स्ट है ऊपर, मैं इसको क्लिक करता हूँ, सुपर टेक्स्ट के आगे इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये रीनेम करता हूँ इसको और .png कर देता हूँ इसके आगे भी PNG। जैसे मैं .png करता हूँ तो देखो ये सुपर जो टेक्स्ट है ये भी देखो यहाँ पर PNG इसकी फाइल बन गई, ये भी एक एसेट्स हो गया इस एड का, ठीक है। आप कितने भी ऐसे एसेट्स यहाँ पर बना सकते हैं और जब आप इसको PNG हटाएंगे इसके आगे से या कोई भी डॉट हटाकर जो भी आपने फॉर्मेट दिया है वो हटाएंगे तो वापस ये चला जाएगा। देखो मैं हटा के दिखा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करके ये देखो यहाँ से हटाता हूँ, ये चीज जैसे मैंने हटाई तो देखो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, हो गया गायब। और अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो वापस आ जाएगा, देखो इस तरह से, देखो ये जो है तो देखो ये वापस आ जाएगा। देखो ऐसे आप कितने भी जितनी भी यहाँ पर एसेट्स हैं, चाहे वो लोगो है, बैकग्राउंड है, आइकन है, टेक्स्ट है, जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर एसेट्स यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर इसे आप क्लोज करें और देखो फोटोशॉप की भी आप क्लोज करें, क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पर इसको सेव करने, सेव करने के बाद देखो ये तो फाइल है तो सेव हो गई। तो देखो हम एसेट्स वाले फोल्डर को खोलते हैं यहाँ पर, और ये फोल्डर हमने खोला तो देखो ये फोल्डर खुल गया। अब देखो यहाँ पर आप देखें तो देखो जितने भी हमने वहां पर इमेज के आगे या टेक्स्ट के आगे PNG या JPG लगाया था वो सब के सब यहाँ पर सेव हो गए और देखो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी फाइल के एसेट्स को आप ऐसे सेव करके रख सकते हैं और उन एसेट्स के साथ जब भी आप किसी को फाइल भेजें तो वो उन एसेट्स के साथ भेज दें, जिससे कि अगर कई बार फाइल में करप्शन होता है, कोई दिक्कत होती है तो यहां से वो एसेट्स को उठा के और वहां पर लगा सके। तो
बंदा, तो इसलिए ये इसका बेनिफिट है। जब हम ग्रुप में काम करते हैं, बहुत बड़े ग्रुप में काम करते हैं, तो वहां पर भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जब हम इन फाइलों को इस तरह से हम सेव करके शेयर करते हैं एक दूसरे को, और वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है एक दूसरे को जब हम ग्रुप में काम करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ग्रुप्स में भी हम इस तरह से काम कर सकते हैं, और ये बड़ा फायदे की चीज रहेगी। तो ये था इमेज एसेट्स ऑटोमेटिक किस तरह से जनरेट होता है। तो आज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो ये ट्यूटोरियल भी मैं खेत में बना रहा हूँ, हवाएं बहुत तेज चल रही है इसलिए माइक में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो गाइज आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मेरा एक दूसरा चैनल है जैसा कि मैंने बताया वे टू लाइफ, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।